कैसे हैं आप सर? आपने फरमाइश की हो और फरीहा ने पूरी ना की हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी एक बहुत ही प्यारी फॉलोअर्स है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सहरी की रेसिपी बनाएं। रमज़ान आ रहे हैं तो ये आपके सामने है आज सहरी की रेसिपी, अंडा शामी मिक्स। ठीक है, स्ट्रीट फूड की रेसिपी है जो कि बहुत पसंद की जाती है और बहुत मज़े की भी होती है। मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हुआ है बहुत सी दफ़ा लाहौर में, तो अब मैं आज आपको इसके सीक्रेट्स बताऊंगी। बहुत इजी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रीट फूड आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपने 3 to 4, अच्छा मैं 2 सर्विंग बना रही हूँ। ठीक है, आपने जितनी बनानी होगी आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, ऑयल डालिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। देन आपने उसमें ऐड कर देनी है प्याज। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा हुआ है। हमारे लाहौर में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है और स्ट्रीट फूड की बहुत अच्छी रेसिपी है। हाई फ्लेम पर मैंने प्याज को जरा सा ब्राउन नहीं करना। जैसे हमने जब मैंने ही फर्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे तो ये बहुत मजे की थी। ये हो गया, देन आपने इसमें ऐड कर देनी है ग्रीन चिली। और टमाटर ऐड कर दें, इसको मिक्स कर दें। फिर उसमें चली जाएंगी, ये मेरी होममेड शामी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी चिकन की या बीफ की, मैं बीफ की शामी की बना रही हूँ। ये आप चाहें तो आप चिकन में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे दोनों शामी आपको चिकन की भी मिल जाएगी और बीफ की भी मिल जाएगी। मैं बीफ की शामी की बना रही हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, 3 अंडे लिए हैं मैंने, इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छे से बीट कर दूं। इतने हमारा शामी मसाला भी हो रहा है, ठीक हो गया। इसमें स्पाइसेस का टाइम आ गया, हम स्पाइसेस डाल लेते हैं। अच्छा, मैं इसके 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल स्पाइसी या बहुत स्पाइसी हो जाता है, तो मैं इसको ज्यादा स्पाइसी कर रही हूँ। शामी में भी हमने ज्यादा स्पाइसी डाली है, ग्रीन चिलीज भी डाली है, तो मैं 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली डाल रही हूँ। ठीक है, 1 टीस्पून क्रश चिली चली गई, कुछ इसमें चली जाएगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि शामी में भी सॉल्ट है। एग्स जितने जा रहे हैं उसकी मुनासिबत से आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने अंदाजे से डाल लिया। अच्छा, ये देखिए हो गया। इस स्टेज पे इसमें बटर ऐड होता है, आप चाहें जब मसाला अच्छे से ये शामी मसाला मिक्स हो जाए तो इसमें आप बटर ऐड करें। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूं बटर की जगह। लिटिल बिट ऑफ 1 चुटकी गरम मसाला, ये भी मेरा होममेड है, और ये बीचे हुए एग्स। देखिए अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये हो गया, अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। कवर करके इसको 2 मिनट पकने देंगे जस्ट, अंडा अच्छे से हमारा कुक हो जाए। ये फ्रेंड्स 2 मिनट्स हो गए, जस्ट 2 मिनट्स दिए कि अंडा अच्छे से कुक हो जाए। ये देखो हमारा कितना मजे का शामी मिक्सर जो है वो रेडी हो गया। तो नीचे से जला नहीं है, ये जस्ट जैसे स्टिक हुआ है, क्योंकि ज्यादा अंडा था तो इस तरह से क्रंची क्रंची सा हमारा रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है, सहरी स्पेशल है। अगर आपके पास शामी बनी भी होगी तो ये आप विदिन 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। प्लीज इसको एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा कि किस तरह का बना आपका। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।